जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको स्टार्ट मेल मर्ज तक मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी इम्प्लाइयों का डेटा हमको तैयार करना है उसमें हम लेटर को सिलेक्शन करते हैं और इसके बाद से सेलेक्ट रिसिपियंट पे आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नया लिस्ट बनाना है तो टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करते हैं। अगर पहले से ऑलरेडी बना बनाया है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑलरेडी मैंने कल का बताया हुआ है और कल का लिस्ट मैंने बनाया हुआ है तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसमें सबसे पहले लोकेशन सिलेक्शन करेंगे कि हमने डेटा कहाँ पे सेव किया है। तो कहाँ पे सेव किया है? डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे मैंने डेटा सेव किया है किस नाम से? SBI इम्प्लाई डेटा के नाम से। इसको यहाँ से सेव कर लेना है। देखिए यही सिंबल है इसका, चाबी टाइप का कुछ सिंबल आएगा ये डेटा सेव करने का बाद है। ओपन कर लेना। अभी कुछ दिख रहा है? अब देखिए जब ओपन करेंगे आप तो इस केस में ये पूरा ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं इस पेज को क्लोज करता हूं और फिर दोबारा से हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से दोबारा से हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं सबसे पहले मेलिंग टैब में। क्या ये ऑप्शन इनेबल आपको दिख रहा है? तो अगर अब जरूरत आई है तो अब जाकर के इसको ओपन करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं ओपन कर देंगे हम। मैंने बस ये बताया था कि आप लोग इस लिस्ट को बना करके सेव करके छोड़ दीजिएगा, उसके बाद से हम कल के क्लास में बताएंगे। तो देखिए जब इतना डेटा आपका हो गया होगा कंप्लीट तो आपको आना है सबसे पहले सेलेक्ट रिसिपिएंट पे और यहां से आपको लेना है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहां से सबसे पहले आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपने डेटा कहाँ पे सेव किया है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट में लिया है तो डॉक्यूमेंट का लोकेशन लीजिए। हमने डेस्कटॉप पे लिया है तो इस वजह से यहाँ पे डेस्कटॉप ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। और जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो पूरा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। देखिए इसके पहले इनेबल नहीं। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए करना क्या है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। जैसे मान के चलिए कि कोई आपसे ये पूछ दे कि आपने डेटा किस किस नाम से बनाया, थोड़ा सा चेक करके आप दिखाइए। तो या किसी स्टूडेंट या किसी इम्प्लाई का नाम हमको चेंज करना है, आप लिस्ट छोड़ चेक करवाइए। इसके लिए क्या करेंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं इसके अलावा, एडिट के अलावा। तो जैसे ही आप एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे राजेश लिखा हुआ है ना, और किसी ने बोल दिया कि नहीं राजेश इम्प्लाई नहीं है, इनका नाम आप चेंज करिए, इनका नाम आप चेंज कर दीजिए, राजेश के जगह पे रमेश टाइप करना है आप। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाटा सोर्स में इम्प्लाईज SBI इम्प्लाई डाटा के नाम से आ जाएगा। इसी पे क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो एडिट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसी पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आ गया। अब राजेश को हटा करके यहाँ पे भर देना है क्या? रमेश। कोई दिक्कत? तो कैसे चेक करेंगे ये हम? लिस्ट हमारे सामने दिख नहीं रहा है। वो नहीं, अगर मान एडिट करके इसको हटा दे रहे इस नाम को, देखना है कितने दिन। एडिट एडिट पे ही देखेंगे। एडिट पे भी देख सकते हैं और एडिट से ही हटा सकते हैं। अब ये नहीं बताएगा कि कितना दिन से रह रहे हैं, ये सब नहीं बताएगा, बस केवल लिस्ट में जांच करने के लिए बता सकते हैं बाद में नहीं चेक कर पाएंगे। जो करंट में होगा उसी को दिखाएगा। अगर हम चेंज कर देंगे तो चेंज वाला ही नाम दिखाएगा, पुराना वाला नाम हट जाएगा, अपडेट हो जाता है ना ये। इसकी मतलब नहीं रहता। नहीं, यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए मैंने चेंज किया है ना, तो पहले इसके बारे में आप समझिए। देखिए न्यू एंट्री का मतलब, जैसे मान के चलिए कि आपने लिस्ट बनाया, कुछ एंट्री छूट गया बनाते समय, तो आप यहाँ से न्यू एंट्री कर सकते हैं, किसी एंट्री को फाइंड कर सकते हैं। कस्टोमाइज के बारे में पता ही है और डिलीट के बारे में पता ही है। कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहां से जैसे ही ओके करेंगे तो ये डेटा आपका क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। देखिए राजेश को हटा करके रमेश आ गया। यहां से आप इसको ओके कर लेते,
समझ में आया? मतलब अभी तक आपने कितना लिस्ट बनाया है, उसमें से किस इम्प्लाई का नाम आपको चेंज करना है या किस इम्प्लाई का नाम आपको हटाना है, इसके लिए आपको एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे जाना होता है। तो यहां से हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। इतना करने के बाद, इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको मिला है हाईलाइट मर्ज फील्ड। क्या ये ऑप्शन हाईलाइट है? नहीं हाईलाइट है। हाईलाइट है तो एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन और इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो देखिए अभी इस ऑप्शन के बारे में हम लोग समझा जाएगा। पहले तो आपको आना है एडिट के जस्ट बाद आपको आना है कहाँ पे, इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन। मतलब आपने कौन कौन सा फील्ड आपने एक्टिव किया है, कौन कौन सा फील्ड आपने बनाया है, उसको बारी बारी से आपको इंसर्ट करके देखना है। जैसे आपने क्या लिया है, फर्स्ट नेम लिया है, इसके बाद से लास्ट नेम, इसके बाद से सिटी, इसके बाद से एड्रेस, इसके बाद से पिन कोड, इसके बाद से स्टेट, इसके बाद से मोबाइल नंबर, यही आपने लिया है ना, पिन कोड वगैरह। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें पूरा फील्ड आ जाएगा। देखिए आपने कौन कौन सा फील्ड बनाया है, ये पूरा पूरा फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आपने टाइटल लिया था, टाइटल पे क्लिक करिए, टाइटल आ जाएगा, ठीक है। फिर आप एंटर करके नीचे आइए, फिर इसके बाद से आपने क्या लिया है, फर्स्ट नेम लिया है, इस पे क्लिक करिए, एंटर बटन दबा दीजिए। फिर आप चले आइए सबसे पहले इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, लास्ट नेम आपने लिया था, एंटर बटन दबा दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए अगला ऑप्शन, कंपनी नेम आपने लिया था, एंटर बटन दबा दीजिए। फिर इसके बाद से यहाँ पे दिया है एड्रेस, फिर एंटर बटन दबा दीजिए। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है क्या, सिटी, फिर एंटर बटन दबा दीजिए। फिर इसके बाद से क्या है, स्टेट है ना, स्टेट ले लीजिए, फिर एंटर बटन दबा दीजिए। फिर अगला ऑप्शन लिखा है क्या, पिन कोड, फिर एंटर बटन दबा दीजिए। फिर अगला हेडिंग क्या लिखा है, कंट्री, एंटर बटन दबा दीजिए, बात मत करो प्लीज। फिर इस पे क्लिक करेंगे, अगला लिखा है मोबाइल नंबर, इंटर बटन दबा दें। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जो हेडिंग मैंने लिया था अभी, केवल उसी हेडिंग को मैंने क्या किया है, क्या किया है, शो कराया है, इंसर्ट कराया है। अब देखिए हाईलाइट वाला ऑप्शन हाईलाइट हुआ, इसके पहले हाईलाइट था नहीं। लेकिन इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क यही है कि जो मैंने हेडिंग यहाँ पे इंसर्ट कराया है बस उसी को हाईलाइट करके दिखाया, दूसरा इसका कोई काम नहीं। अगर आपने डेटाबेस बनाया है तो उसमें आपने कौन कौन सा हेडिंग दिया है उसी को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएगा, कोई दिक्कत? पुनः यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से अनहाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद से आता है क्या, एड्रेस ब्लॉक। तो मैंने लिस्ट कितना बनाया, कै को लिस्ट मैंने बनाया, मैंने चार को लिस्ट बनाया, चार ही बनाया है ना। देखिए एडिट रिसिपिएंट पे आके चार दिखा रहा है ना। अब चारों इम्प्लाइयों का अलग अलग एड्रेस आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए एड्रेस ब्लॉक पे आप चले आइए। देखिए इसमें प्रीव्यू में बता रहा हूं, मिस्टर रमेश कुमार SBI पटना के नाम से बता रहा हूं। दूसरे का दिखना है तो दूसरे पे क्लिक करिए, इसमें बता रहा है रिया वर्मा, तीसरे पे बता रहा है, ठीक है। जो भी नाम यहाँ पे होगा, कुछ नाम मैंने मिस्टेक कर दिया, इस नाम से गलत बता रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बस यहां से हम इसको ओके कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो सारे इंप्लाइयों का अलग अलग एड्रेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जांच करने के लिए कि मैंने जो फील्ड बनाया वो सही है कि गलत है, हो जाएगा ना। अब इसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है वो यहाँ पे दिया है ग्रीटिंग लाइन, और आगे बैठ जाओ, आगे सीट है। ग्रीटिंग लाइन का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि कोई एप्लीकेशन वगैरह हम किसी को भेजते हैं तो उसके पहले अगर मेल है तो डियर सर लिखते हैं, अगर फीमेल है तो डियर मैडम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना एप्लीकेशन में। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ब्रांच मैनेजर क्या करेंगे, एप्लीकेशन भेज रहे हैं सारी इंप्लाइयों के पास, तो अगर मेल है तो डियर सर को लिखना फर्ज बनता है उनका, अगर फीमेल है तो डियर मैम, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसके लिए ग्रीटिंग लाइन हमको ऐड करना होता,
नाम से पहले डियर सर या डियर मैम लिख करके आवे, इसके लिए हम ग्रीटिंग लाइन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है वो यहाँ पे दिया है, सबसे पहले यहाँ पे रूल्स। तो रूल्स का क्या काम है, रूल्स का कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता है, बस ये डेटा आपको फाइंड कराने के लिए, अगला रिकॉर्ड देखने के लिए इस ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग नहीं है। हाँ, इसमें मोस्ट जो है वो आपका ये है आपका मैच फील्ड, आपने क्या क्या हेडिंग लिया है उस हेडिंग को मैच कराना होता है। आपने फर्स्ट नेम लिया है, टाइटल आपने लिया है, ठीक है, इसके साथ साथ आपने लास्ट नेम लिया है, इसी को मैचिंग कराने के लिए मैच फील्ड वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। अब देखिए जो मैच करेगा उसके सामने मैच लिख देगा, थोड़ा फैन ऑन कर दो तो बहुत गर्मी होगा, क्या नाम होगा, F9 F10। देखिए जो मैच होगा उसके सामने मैचिंग लिखा देगा, और जो नहीं मैचिंग करेगा उसके सामने लिखेगा नॉट मैच, ऐसे देखिए लिखा हुआ है, आप खुद देखिए, जैसे जो डाटा मैंने यहाँ पे लिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन में नॉट मैच लिखा है, यहाँ पे टाइटल में टाइटल लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम से फर्स्ट नेम मैचिंग किया है, मिडिल नेम मैंने नहीं लिखा है तो नॉट मैच लिखा हुआ है, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो हेडिंग हम इसमें इंसर्ट करेंगे उस हेडिंग को अगर ये मैच करता है तो मैच में नाम बताएगा, अगर हेडिंग मैच नहीं करता है तो लिख करके आएगा नॉट मैच, समझ में आया। अब चलिए अब इसमें अगला ऑप्शन समझते हैं, इसमें जो अगला ऑप्शन दिया है वो है आपका यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट, अपडेट लेबल्स दिया है, अपडेट लेबल्स दिया है जो अभी अनहाइलाइट है, अनहाइलाइट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे तो इसमें एक लेबल ऑप्शन भी मिलेगा, तो अगर इस लिस्ट में से अगर आपने लेबल लिया है तभी तो जाके लेबल वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा, लेकिन लिया मैंने क्या है, लेटर लिया है, इसलिए यहाँ पे अभी लेबल का कोई वर्क नहीं, समझ में आया। अब चलिए इतना करने के बाद इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको मिलता है प्रीव्यू रिजल्ट, मतलब अभी तो केवल आपको हेडिंग दिखा रहा है ना, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप बारी बारी से हमको लिस्ट दिखाइए तो प्रीव्यू रिजल्ट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए बता रहा है, तो ये कितने नंबर का रिकॉर्ड बता रहा है, दूसरे नंबर का बता रहा है ना, नेक्स्ट करेंगे तो तीसरे नंबर का रिकॉर्ड बताएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे तो चौथे नंबर का रिकॉर्ड बताएगा, और यहाँ से प्रीवियस के लिए यहाँ पे बैक आएंगे, देखिए तीसरे नंबर पे आ गए, दूसरे नंबर पे आ गए और पहले नंबर पे आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए कहाँ बिजी हो तुम लोग, क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सॉरी इधर हो जाओ, अब देखिए इसके बाद से अगला जो ऑप्शन इसमें दिया है, अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है सबसे पहले फाइंड रिसिपिएंट, क्या लिखा है, फाइंड रिसिपिएंट, जैसे किसी और लिस्ट को हम फाइंड करना चाहते हैं कि क्या उस व्यक्ति का नाम इसमें दिया है कि नहीं दिया, तो फाइंड रिसिपिएंट पे क्लिक करिए। अब देखिए फाइंड में नाम मांग रहा है ना, यहाँ पे मैंने दे दिया, अब यहां से फाइंड करी, रिकॉर्ड बताया, अब यहां से रिया को हटा करके मैंने नाम यहाँ पे दे दिया गिरिजेश, अब देखिए इनका रिकॉर्ड यहाँ पे बताएगा, स्पेलिंग सही सही लिखिएगा, यहाँ पे फाइंड बताएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला जो इसमें ऑप्शन लिखा है वो है आपका चेक फॉर एरर्स, मतलब अगर इसमें कोई गलती है तो उसको आप सही करिए, तो लिस्ट तो मैंने ही बनाया है ना, तो अब इसमें कोई एरर तो है नहीं इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, अगर कोई एरर रहता तो आप यहाँ से आसानी तरीके से इसकी जांच कर लेते। अब चलिए जो अगला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका फिनिश एंड मर्ज, अब आपको भेजना क्या, एप्लीकेशन भेजना है ना, तो उस एप्लीकेशन को आपको इंसर्ट कराना पड़ेगा ना, तो चलिए सबसे पहले तो प्रीव्यू रिजल्ट आप यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि पहले ही लिस्ट अगर हम दिखा देंगे तो भेज कैसे पाएंगे, तो पहले अभी आप इसको क्या करिए, अभी आप केवल हेडिंग में रखिए और कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके इसकी बीच की स्पेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अब देखिए अब वो एप्लीकेशन आप या तो टाइप कर लीजिए, या तो आप टाइप कर लीजिए सबका अलग अलग, या कहीं अगर आपने लिख करके रखा है स्कैन करके
तो उसको आप क्या कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए, दोनों ऑप्शन है ना। या फिर मान के चले कि इंसर्ट पे हम चले जाते हैं और यहां से हम चले जाते हैं ऑनलाइन पिक्चर पे, और यहीं से हम कुछ लेटर यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लिख लिया, क्योंकि हमारे पास अभी लेटर का कोई फॉर्मेट नहीं है, ऐसे डायरेक्टली हम इंसर्ट करके बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास होगा तो क्या करेंगे आप, वन बाय वन करके इंसर्ट कराएंगे ना। लेकिन देखिए, अब हमारे पास जैसे मान के चलिए कि मैंने बाय डिफॉल्ट इसी डेटा को मैंने क्या कर लिया, इंसर्ट करा लिया। इसको थोड़ा सा छोटा करिएगा, पेज नंबर एक पे ही होना चाहिए, इतना क्लियर करिएगा। पेज नंबर दो पे डेटा आपका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर पेज पे अलग अलग इंसर्ट करके देखना है ना। अब इसमें देखिए, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए मेलिंग टैब में एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिनिश एंड मर्ज, मतलब इस पे क्लिक करेंगे इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट डॉक्यूमेंट, और कह रहा है कि सेंड ईमेल मैसेज। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो किसी भी इम्प्लाइयों के पास अगर आपको डेटा भेजना है तो पहले तो आप उसका प्रीव्यू देखेंगे ना, तभी तो जाके प्रिंट निकालेंगे। तो सबसे पहले एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑल, करेंट रिकॉर्ड और फ्रॉम। तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे रिकॉर्ड आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे। लेकिन वही, जैसे अगर ऐसी बात आ जाए कि सर हम जैसे 10 लिस्ट मैंने बनाया और 4 से लेकर के 6 तक भेजना चाहते हैं, बाकी हाइड रखना चाहते हैं, तो इसमें क्या लेंगे। जैसे 10 लिस्ट मैंने बनाया है और 4 से लेकर के और 6 तक भेजना चाहते हैं, तो इस तीनों में से क्या सिलेक्शन करेंगे, फ्रॉम लेंगे। क्या लेंगे, फ्रॉम लेंगे। मतलब जैसे ही फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर के और जहां तक आपने बनाया है उसका नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। अब ये नहीं कि आपने 10 बनाया तो 20 लिखिएगा, तब नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो 1 से लेकर के मैंने बनाया है कहां तक, 4 तक मैंने बनाया, ठीक है ना। अब इसके बाद से करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो केवल करंट रिकॉर्ड को ही दिखाएगा, आल पे क्लिक करेंगे तो सब दिखा देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1 से लेकर के और 4 तक वैल्यू आपको दिखाए, तो बस आपको यहां से ओके कर लेंगे। इससे क्या समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। देखिए, फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखेंगे तो रमेश कुमार का रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है ना, और इनका लेटर यहाँ पे नीचे आया हुआ। फिर सेकंड पे किसका हो जाएगा, सेकंड पे सेकंड रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। थर्ड पे किसका हो जाएगा और फोर्थ पे किसका हो जाएगा, अब समझ में आया। 4 व्यक्ति हैं और चारों का लेटर मैंने अलग अलग पेज पे रख दिया। अब किसकी बारी आती है, प्रिंट की बारी आती है ना। तो अब कंट्रोल के साथ पी बटन दबाइएगा प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब कितना आपको पेज निकालना है प्रिंट आउट, चूंकि अलग अलग हमको निकालना होता है ना, तो प्रिंट आउट आप यहाँ से आसानी तरीके से अलग अलग निकाल सकते हैं और सारी इंप्लाइयों के पास अलग अलग भेज सकते हैं। देखिए, पहला वाला रिकॉर्ड दिखा रहा है, पहला वाला आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, फिर Ctrl+P दबा करके दूसरा वाला रिकॉर्ड निकालिए, चारों व्यक्ति का अलग अलग निकाल करके, और तब जाकर के आसानी तरीके से कुरियर करके भेज सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा, डिसेबल होगा, देख लीजिए। अब ये पूरा ऑप्शन आपका डिसेबल हो गया होगा, ध्यान से देखिए, इनेबल है। हाइड किस में, हाइड अरे मतलब 1 से 4 पेज मैंने जो डेटा बनाया है वही 1 से 4 पेज हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। अगर 1 से लेकर के 10 तक मैंने बनाया है तो अगर 1 से 4 तक देंगे तो मात्र 4 ही रिकॉर्ड दिखाएगा, बाकी छुप जाएगा। समझ में आया, तो यही आज की क्लास में प्रैक्टिकल समझना था, हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे तो ये पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
हाइड हो जाएगा। पुनः शो कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे? देखिए पुनः अगर शो कराना है तो कंट्रोल एन से एक नया पेज लेना पड़ेगा और यहाँ पे आना है मेलिंग टैब में, और फिर आपको सबसे पहले लिस्ट को सिलेक्शन करना है, यही आपसे मैंने बताया ना, फिर स्टार्टिंग लेवल से करना होगा तब जाके पूरा ऑप्शन इनेबल होगा। देखिए अब इनेबल हुआ, अब बारी बारी से पूरा ऑप्शन का प्रैक्टिकल करेंगे तब जाकर के हाईलाइट होगा, अदरवाइज हाईलाइट नहीं। कोई दिक्कत? देखिए आप लोग लैब में जाइए और इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, अगर हो जाता है तो सही है, नहीं हो पाएगा तो कल हम इसको रिवाइज करके बता देंगे, ठीक है? चलिए कहां तक मैंने लिखवाया था, थोड़ा कॉपी खोलिए तो।